ओम का सुमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है उसके सहारे जिया करो। ओम का सुमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। ओम का सुमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो, नाम उसी का लिया करो। ये दुर्लभ मानव तन तूने बड़े भाग से पाया है, विषयों में फंस करके बंदे हीरा जन्म गवाया है। ये दुर्लभ मानव तन तूने बड़े भाग से पाया है, विषयों में फंस करके बंदे हीरा जन्म गवाया है। दुष्ट संग ना किया करो, दुष्ट संग ना किया करो, सज्जनों से गुण लिया करो। जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। ओम का सुमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो, नाम उसी का लिया करो। पता नहीं कब रुक जाएगा चलते चलते श्वासा, एक क्षण में खत्म हो जाए जग का सभी तमाशा। पता नहीं कब रुक जाए चलते चलते और सांसा, एक क्षण में खत्म हो जाए जग का सभी तमाशा। सुबह शाम जप किया करो, सुबह शाम जप किया करो, याद प्रभु को किया करो। जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। ओम का सुमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। और लिखा, हर प्राणी से प्यार करो, बस सब में वही समाया है। मिलकर रहना सब है अपने, कोई नहीं पराया है। हर प्राणी से प्यार करो, बस सब में वही समाया है। मिलकर रहना सब है अपने, कोई नहीं पराया है। देश भाव ना किया करो, दुख ना किसी को दिया करो। देश भाव ना किया करो, दुख ना किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। सच्चा सुख है प्रभु भक्ति में, बात न समझो झूठी। वही अमर पद पाते हैं जो पीते ओम नाम की बूटी। सच्चा सुख है प्रभु भक्ति में, बात न समझो झूठी। वही अमर पद पाते हैं जो पीते ओम की बूटी। प्रभु नाम रस पिया करो, प्रभु नाम रस पिया करो। राघव भूल न किया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। ओम नाम, ओम
का सुमुरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो, नाम उसी का लिया करो, नाम उसी का लिया करो। निवेदन कर रहा हूं बहनों भाइयों, ओम का सुमरन किया करो और प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। परमपिता परमात्मा जो दुनिया का मालिक है, पिता है, न्यायकारी है, अजन्मा है, अनंत है, सर्वधार सर्वोत्तम, अजय अभय पवित्र सृष्टि करता है, उसके सहारे अपने जीवन को लगाओ। वो सबसे बड़ा सखा है, सबसे बड़ा मित्र भी है। लेकिन आज क्या हो रहा है विचार नहीं करा। परमपिता परमात्मा ने बहुत सुंदर ये जीवन तुमको दिया, लेकिन इस जीवन के सार को नहीं समझा। हर प्राणी से प्रेम करो, बस सब में वही समाया है। मिलकर रहना सब है अपने, कोई नहीं पराया है। किसी से द्वेष भाव मत किया करो, समझो कोई पराया नहीं है। क्योंकि एक ही पिता है, एक ही माता है इस दुनिया को बनाने वाला। आपस में फिर हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? प्रेम का व्यवहार होना चाहिए, छल कपट का नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए। लेकिन लोगों ने अपने जीवन को बर्बाद कर लिया, अपने अंतःकरण में झांक करके नहीं देखा और इधर उधर भटकते रहे। काशी, हरिद्वार, मथुरा, प्रयाग, ऐसी कहां कहां घूमते रहे। और वो पिता आदेश कर रहा है, हे मनुष्य मैं तेरे पास में रहता हूं, मैंने जो तेरा मन मंदिर बनाया है उसके अंदर ही मैं रहता हूं। लेकिन अगर तू मुझे पाना चाहता है ना, तो अष्टांग योग के द्वारा काम क्रोध लोह मोह, ये जो जीवन में पाप आ जाते हैं, शत्रु आ जाते हैं, इनका तू त्याजन करके मेरे सानंद में बैठ जा, मैं तुझे दर्शन दे दूंगा। लेकिन आज लोगों में आत्मबल नहीं रहा, इधर उधर भटकते रहे। और परमात्मा उपदेश कर रहा है क्या? पास रहता हूं तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं ढूंढ पाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूं तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देखो पाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूं तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू, मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू, ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं, ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। क्या कोसता दोष देता मुझे तू सदा, मुझको ये ना दिया मुझको वो ना दिया। निवेदन कर रहा हूं, कोसता दोष देता मुझे तू सदा, मुझको ये ना दिया मुझको वो ना दिया, मुझको ये ना दिया मुझको वो ना दिया, मुझको ये ना दिया मुझको वो ना दिया। श्रेष्ठ सबसे,
श्रेष्ठ सबसे मनुष्य तन तुझे दे दिया, श्रेष्ठ सबसे मनुष्य तन तुझे दे दिया, तब भी सबरो न आए तो मैं क्या करूं, श्रेष्ठ मानव जन्म मैं तुझे दे दिया, तुझको सबरो न आए तो मैं क्या करूं, पास रहता सदा मैं और लिखा तेरे अंतःकरण में विराजा हुआ, करना पाप करता हूँ संकेतों में, बहुत सुंदर लिखा, तेरे अंतःकरण में विराजा हुआ, करना ये पाप करता संकेत तो, करना ये पाप करता हूँ संकेत तो, करना ये पाप करता हूँ संकेत तो, लुप्त विषयों में लुप्त विषयों में दी सीखो मेरी भली, लुप्त विषयों में दी सीखो मेरी भली, ध्यान में तू न लाए तो मैं क्या करूं, ध्यान में तू न लाए तो मैं क्या करूं, पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देखो पाए तो मैं क्या करूं, पास रहता हूँ जांच अच्छे बुरे की तुझे हो सके, इसलिए बुद्धि मैंने तुझे दी, अरे आ जांच अच्छे बुरे की तुझे हो सके, इसलिए बुद्धि मैंने तुझे दी, अरे इसलिए बुद्धि मैंने तुझे दी, अरे इसलिए बुद्धि मैंने तुझे दी, अरे किंतु तू मद भगी को सुधा छोड़ कर, किंतु तू मंद भागी सुधा छोड़ कर, घोर विष आप खाए तो मैं क्या करूं, घोर विष आप खाए तो मैं क्या करूं, पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देखो पाए तो मैं क्या करूं, तू नहीं देखो पाए तो मैं क्या करूं, तू नहीं देखो पाए तो मैं क्या करूं। परमपिता परमात्मा निवेदन कला है, ऐ मनुष्य पास रहता हूं तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं, मूड मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं, अरे तूने अपने अंतःकरण में देखा ही नहीं, और पूरा जीवन क्या कहता रहा, कोसता दोष देता मुझे तू सदा, मुझको ये ना दिया और मुझको वो ना दिया, अरे श्रेष्ठ मनुष्य तन तुझे दे दिया, सब्र तुझको ना आए तो मैं क्या करूं, विचार करो इतना सुंदर जीवन दे दिया फिर भी सब्र नहीं आया, अरे निवेदन कर रहा हूं। फिर लिखा कवि ने, तेरे अंतःकरण में विराजा हुआ, करना ये पाप करता हूं संकेत में, पाप मत करना नहीं तो तुझे दंड मिलेगा, मैं तुझे बता रहा हूं श्रेय मार्ग ले ले, लेकिन लिप्त विषयों में दी सीख मेरी भली, ध्यान में तू ना लाए तो मैं क्या करूं, मैं तो तेरी बुद्धि में हर समय बता रहा हूं लेकिन नहीं माना, फिर क्या, जांच अच्छे गुरों की तुझे हो सके, मैंने बुद्धि दी है तुझे, कर ले जांच ये बुरा काम है विचार कर ले, इसलिए बुद्धि मैंने तुझे दी, अरे किंतु तू मंद भागी सुधा छोड़कर, घोर विष आप खाए तो मैं क्या करूं, मन बर्बाद कर लिया। मैं निवेदन कर रहा हूं बहनों भाइयों, जो व्यक्ति परमपिता परमात्मा को जान लेता है उसे आत्मबल हो जाता है, वो इधर उधर कहीं भटकता नहीं है, विषयों में अपने जीवन को नहीं लगाता है, वो दोनों समय परमात्मा के सानंद में बैठ करके चिंतन मनन करता है,
और उससे मांगता है, हे प्रभु मैं खाली झोली लेकर के आपकी शरण में आया हूं, कुछ ना कुछ मेरी झोली में, मैं श्रद्धा करता हूं, विश्वास करता हूं कि कुछ ना कुछ मेरी झोली में अवश्य डालेंगे, झोली भर देगा पिता। लेकिन इधर उधर भटकते रहे तो आपकी झोली खाली रहेगी, वो तो हर समय आपके दिल में रहता है। है जी, ऋषि मुनियों ने उसको ध्यान लिया है, महर्षि स्वामीदान जी महाराज ने परमपिता परमात्मा के चिंतन के विषय में नामों की जानकारी के लिए सत्याप्रकाश का प्रथम समुल्लास में, पहले ही समुल्लास में सब चीज उसने बहुत सुंदर सरल ढंग से उसमें दी है। जो व्यक्ति उनके नामों की गणना का चिंतन करता है वो नहीं भटकेगा, उसे विश्वास हो जाता है कि परमपिता परमात्मा निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं और उसका नाम ओम है। मैं निवेदन कर रहा हूं, एक ही पिता है, एक ही माता है, फिर भी हम दोष भाव करते हैं, छल कपट करते हैं, और यहां तक छल कपट कि जिस महर्षि स्वामीदान जी महाराज ने सारी व्यवस्थाएं सरल रूप में हमको दी उसको भी लोगों ने नहीं छोड़ा। जब व्यक्ति चला जाता है तब याद आता है, महर्षि स्वामी दयानंद जी दुनिया को छोड़ के चले गए, अपने लोगों ने ही उनके साथ में कुठाराघात कर दिया। ऐसे ही देख लो महापुरुषों को, देख लो योगिराज कृष्ण का जब जनामा जमाना रहा तो लोगों ने साथ नहीं दिया, भगवान राम का जमाना रहा लोगों ने साथ नहीं दिया, जितने भी हुए महापुरुष, गुरु गोविंद सिंह को देख लो लोगों ने साथ छोड़ दिया। निवेदन कर रहा हूं, आइए एक गीत स्वामीदान जी के चरणों में रख करके पीछे हटूंगा। दुनिया में महर्षि को कोई जान ना पाया है, दुनिया में महर्षि को कोई जान ना पाया है, दुनिया में महर्षि को कोई जान ना पाया है, दुनिया में महर्षि को कोई जान ना पाया है, नादान मनुष्यों ने नादान मनुष्यों ने उसे जहर पिलाया है, नादान मनुष्यों ने उसे जहर पिलाया है, तेरी मस्ती फकीरी को ये दुनिया क्या जाने, आहा तेरी मस्ती फकीरी को ये दुनिया क्या जाने, इस दुनिया के खातिर इस दुनिया के खातिर सर्वस्व लुटाया है, इस दुनिया की खातिर सर्वस्व लुटाया है, दुनिया में महर्षि को कोई समझ ना पाया है। और सुनो, पत्थर
खंजर भी बरसाए, खंजर भी चलवाए, पत्थर भी बरसाए, खंजर भी चलवाए, ना समझ मनुष्यों ने ना दाने ये लोगों ने, तेरा भेद न पाया है ना दाने लोगों ने, तेरा भेद न पाया है दुनिया में, और सुनो पुरुषार्थ किया उसने दुनिया के लिए ही जिया, पुरुषार्थ किया जिसने दुनिया के लिए ही जिया, उस परम हितेशी को उस परम हितेशी को दुश्मन क्यों बनाया है, उस परम हितेशी को दुश्मन क्यों बनाया है, दुनिया में महर्षि को कोई समझ न पाया है, अंत में इस जालिम दुनिया ने क्या क्या ना जुलम उठाए, इस जालिम दुनिया ने क्या क्या ना जुलम उठाए, इतेंद्री हुआ पागल, इतेंद्री हुआ पागल, कुछ समझ न पाया है, इतेंद्री हुआ पागल, कुछ समझ न पाया है, दुनिया में महर्षि को कोई समझ न पाया है, दुनिया में महर्षि को कोई समझ न पाया है, दुनिया में महर्षि को कोई समझ न पाया है, नादानी मनुष्यों ने नादानी मनुष्यों ने उसे जहर पिलाया है, नादानी मनुष्यों ने उसे जहर पिलाया है, दुनिया में महर्षि को कोई समझ न पाया है, कोई समझ न पाया है, कोई समझ न पाया है, कोई समझ न पाया है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सीधे होकर के बैठेंगे, शांति पाठ करेंगे। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्वतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतरेव शांति सामा शांतरेधे ओम।
शांते 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 ओम। जो बोले सो अभय। महर्षि देव दयानंद महाराज की, गुरुवर ब्रजानंद महाराज की, योगीराज श्री कृष्णचंद महाराज की, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता का, वेद की ज्योति, यज्ञ की ज्योति, आर्य समाज, आर्य समाज, ओम का झंडा, ओम का झंडा, वंदे वंदे सत्य सनातन वैदिक धर्म की वैदिक ध्वनि। ओ वैदिक वादन सबको सादर नमस्ते जी। जी